राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए जहां दोनों छात्र संगठनों ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी अब इससे पीछे नहीं है। NSUI से भागी हुए दुष्यंत सिंह चुंडावत ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। चुंडावत ने 14 सूत्री घोषणा पत्र जारी करते हुए NSUI और दूसरे प्रत्याशियों पर जमकर हल्ला बोला। चुंडावत ने कहा कि छात्र संगठन चुनावी वादे तो करते हैं, लेकिन चुनाव पूरे होने के साथ ही उसे भुला देते हैं, जबकि वो छात्रों की मूलभूत सुविधा प्लेसमेंट, ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षित कोटा, हॉस्टल्स में ATM और जिम, साथ ही महिला छात्रावासों में महिला सुरक्षाकर्मी जैसे मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच जाएंगे और जीतने पर इन्हें अमली जामा भी पहनाएंगे। वहीं चुंडावत का साथ देने के लिए NSUI का दामन छोड़ने वाले संगठन के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भानु प्रताप सिंह ने NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। विश्वविद्यालय को उसके बाद हम लोग सबसे पहले जो प्लेसमेंट IS RS की फ्री क्लास की बात करेंगे, ई रिक्शा का जो मुद्दा है उसको हम सच में पूरा करने की बात करेंगे, गेट से लेकर हॉस्टलों तक के कम से कम उस चीज को लेकर व्यवस्था हो। उसके बाद विश्वविद्यालय में हर 300 मीटर पर कहीं वाटर कूलर नहीं है, हर 300 मीटर पर वाटर कूलर लगाने की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो अपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, इसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला गार्ड्स की व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि वो लोग भी अपने आप को सेफ करें। कोई प्रॉब्लम हो, ईवीजिंग जैसी बात हो, तो उसके अंदर वो लोग जाकर के वहां पे उन महिला गार्ड से बात कर सके, अपने संतुष्ट हो पाए, बिना संतुष्ट हो कैसे काम करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रत्येक छात्रावास में जिम की व्यवस्था कराई जाए, जो स्टूडेंट यंग है, जो स्मार्ट 21-22 साल का, उसका अधिकार बनता है वो जिम करे, उसका अधिकार बनता है वो स्मार्ट देखे, जिम करना कोई बहुत बड़ी बात है, वो जिम की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय बेरोजगारी का भत्ता सबसे बड़ा भत्ता, अगर राजस्थान की सरकार उनको रोजगार नहीं दिला सकती तो उसका अधिकार बनता है कि वो लोग उनको बेरोजगारी का भत्ता दे। मिनिमम 3,000 रुपए हर माह बेरोजगारी का भत्ता दिया जाए, वरना सब चीजें बेकार है। आवाज बनेंगे कहीं ना कहीं NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। आपके सामने बात रखना चाहूंगा, हमारे पास उनकी वो वीडियो चैट्स के मैसेजेस हैं जिनमें उसने महिला कार्यकर्ता को होटल में बुलाया था, आमंत्रित किया था, कहा था आप मेरे साथ रुकोगी तो मैं इसे पसंद करूंगा। इस तरह के कहीं ना कहीं दलगत राजनीति के संगठनों को मैं नकारता हूं। बात करता हूं महिला सुरक्षा की, इस विश्वविद्यालय में हम आवाज बनेंगे आम छात्रा की। आज तक महिला छात्रावासों में महिला सुरक्षा कर्मियों की भर्ती नहीं हुई। हम आपके माध्यम से आज एक बात रखते हैं, इस विश्वविद्यालय में महिला छात्रावासों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी या महिला गार्ड हम उपलब्ध कराएंगे। हमारा उद्देश्य है प्रत्येक हॉस्टल में ATM लगे, जिससे कहीं ना कहीं छात्राओं को 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी तय करके